वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हम देखेंगे क्योंकि हम इसको हम पार्ट्स में करेंगे, लगभग हम इसके 5 या 6 पार्ट्स करेंगे। अगर आप 9th और 10th क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बिकॉज लीनियर इक्वेशन हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है। अगर आप 6th या 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो बेसिकली हैं लेवल 1। ओके, लेवल 1 है आपके ये क्वेश्चंस का। हम इस पूरी वीडियो में थोड़ी सी लंबी होगी, बट ये साथ के साथ क्वेश्चन हम देखेंगे, एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेवल होगा हमारा लेवल 2, उसके अंदर और टफ क्वेश्चन देखेंगे। तो आप चाहे 7th क्लास के स्टूडेंट हैं या 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप सारे लेवल्स को देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ हो सके और आप सारे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आप कर सकें। आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दो परस्पेक्टिव से शायद समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 16x = 48। पहले 16 और x का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे जो 16 है वो है कांस्टेंट, ओके, और 48 भी जो है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते किसे हैं? कांस्टेंट होता है वो नंबर जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, जिसकी वैल्यू एकदम समान रहती है। तो 16 जैसे कि आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, 16 है। आपको वहाँ पर कुछ सेंस नहीं है, आपके हिसाब से अलग है, मेरे हिसाब से अलग है, नहीं। वेरस जो एक्स है उसे कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल इसको क्यों बोलते हैं? वेरी करता है, ये चेंज होता रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग होगी और इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग है। तो वेरिएबल मतलब क्वेश्चन के हिसाब से उसकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एकदम सेम रहता है। ये तो हो गए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद 16x अगर मैं साथ में लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है? 16x का मतलब होता है 16 × x। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, और ये हो गया आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। देखो मेरे ये राइट हैंड है और ये वाला जो हो गया वो लेफ्ट हैंड। तो 16 × x = 48 हमारा ये क्वेश्चन है। तो मन में आपके ये चलना चाहिए कि 16 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं तो 48 आएगा। तो बहुत ही सही बात है आपकी, क्या मल्टीप्लाई करें? 3 मल्टीप्लाई करें। लेकिन हर बार इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1.6x = 0.048। अब आप बोलेंगे सर आपने तो जानबूझ के क्वेश्चन टफ कर दिया। बेटा पेपर में या फिर आगे आगे चल के क्वेश्चन जो है आपकी रेंज में नहीं होता, तो इसलिए आपको मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर आपने करा कैसे, दिमाग में आया कैसे, 3 कैसे होगा? तो बेसिकली आपको पता है कि 16 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 48 आए, तो इसका मतलब आपने 48 और 16 को क्या करा होगा, डिवाइड। सो x = 48/16। अब मैंने इसको 2 से कैंसिल करा, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो आया 24 और यहाँ पर आया 8। तो इसी तरीके से मैं फिर दोबारा 2 से कर सकता हूँ, यहाँ आया 12, यहाँ आया 4। तो 12/4, अब ये 4 × 1, ये 3, तो 3/1 को मैं लिख सकता हूँ 3। तो मेरा x का जो आंसर आ गया वो 3 हो गया। अब आप बोलेंगे सर इतनी सारी वर्किंग करनी पड़ेगी, बेटा अभी बहुत ज़्यादा लग रही है, इजी क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए, थोड़ा सा टफ होगा जैसे मैंने डेसिमल वाला दिखाया तो आप उसको करके दिखाइए। तो यहाँ तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो इसी का रिवर्स भी होता है, अगर डिवाइड हो रहा हो तो रिवर्स मतलब अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आइए चलते हैं इसी के बेसिस पे और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2, 6y = 6। तो हम कैसे लिखेंगे, y = या मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6/6y = 1। तो ये आपका आंसर बहुत ही इजी तरीके से आ गया, क्योंकि 6 के टेबल में 1 पे जाता है तो 1 आ गया। तो मैं आपको एक डिवाइड वाला भी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो यहाँ पे लिस्ट पे मैंने नहीं बनाया। तो जैसे कि y = y/3 = 5। तो आप बोलेंगे सर कैसे सोचें, तो पहले तो सोच लेते हैं कि मैं इसके ना क्या नंबर डालूं कि 3 से डिवाइड होने पे 5 आए। तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है 15 डिवाइडेड बाय 3।
अब करें कैसे, ये y के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो y इक्वल्स टू 15। देख रहे हैं, अगर आप लॉजिकली सोचें तब भी 15 आ रहा है, और अगर आप मैथमेटिकली देखें तो भी 15 आ रहा है। तो आपको ये एक रूल याद रख लें, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट है एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 20। तो पहले आपको कैसे सोचना है कि मैं इसके अंदर क्या प्लस करूं कि 20 आ जाए, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, 15 प्लस करो। तो आपने अगर लॉजिकली पूछूं आपसे, आपने क्या करा मन में, आपने क्या करा, इन दोनों को माइनस करा, तो इसका मतलब 5 जब उधर जाएगा, अगर प्लस हो रहा है वेरिएबल के साथ तो क्या होगा, माइनस। सो 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पर है 7 माइनस y इक्वल्स टू 3। तो रूल याद रखें कि हमें कांस्टेंट को साथ में रखना है, पहले कांस्टेंट को क्या करना, लेफ्ट साइड भेज दो और वेरिएबल को अपनी जगह पे रखो। ओके, तो वेरिएबल यहाँ पर इक्वल्स टू है, पहले मैं इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने बोला कांस्टेंट पहले, यहाँ पे कौन है 3, यहाँ पे वेरिएबल कौन है माइनस वाई, बच्चे यहाँ पे सिर्फ वाई लिख देते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। 7 क्या है, 7 के आगे लेफ्ट साइड पे क्या है, प्लस। आप बोलेंगे था तो नहीं सर, बेटा अगर नंबर नहीं होता ना, मैं अगर 7 लिखता हूँ तो इसका मतलब वो प्लस 7 ही होता है, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कहाँ पे ज़रूरत होती है लिखने की, जब उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ हो तो तब वहाँ पे प्लस लिखना ही पड़ेगा, वरना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मैंने उसको उधर भेजा, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। ये अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही तो प्लीज़ इंटीजर्स की वीडियो देखें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। अब यहाँ पर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर माइनस उधर जाएगा तो बहुत सारे बच्चे उसको कह देते हैं सर प्लस हो जाएगा, बट हमने क्या बोला था, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस 1, देखो माइनस वाई का मतलब क्या है, माइनस वाई का मतलब है माइनस 1 इंटू वाई, ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनस 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, y इक्वल्स टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1, ठीक है, उधर जाके डिवाइड होगा माइनस 1, प्लस 1 नहीं हो जाएगा। प्लस 1 कब होता, जब यहाँ पे माइनस है उधर जाके प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल्स टू 4। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन अभी हम और भी बहुत सारे करेंगे, अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम और भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करके दिखाते हैं। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये तो इजी बेसिक लेवल था, अब आते हैं हमारे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल, जो है 11z प्लस 71 इक्वल्स टू 16। अब क्या हो रहा है, ये z हमारा वेरिएबल है, ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 71 इससे प्लस हो रहा है, 16 है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ एक पार्टी के कॉन्सेप्ट से। आप क्या हो, ये हो Z, आप पार्टी दे रहे हो, तो आप पार्टी दे रहे हो तो कैप बना देते हैं हम आपको, तो आप हो गए वेरिएबल। अब मैं आपको बताता हूँ, पूछता हूँ, आप अगर एक पार्टी दे रहे हो, बर्थडे पार्टी है, तो आप किस किस को बुलाते हो, फ्रेंड्स को बुलाते हो या रिलेटिव्स को बुलाते हो, दोनों को बुलाते हैं नहीं बुलाते। तो उसी तरीके से अगर आप पार्टी में अगर ध्यान दो, तो ये जो है ना आपके रिलेटिव हैं, रिलेटिव, और ये जो 71 है ना, ये है फ्रेंड। तो ये सपोज करो ये आपका घर है, और यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, ये आए नहीं हैं, बेसिकली वो आए ही नहीं हैं, आपने बुलाया था लेकिन आए नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी जो है पार्टी वो है वो ख़त्म हो रही है, अब जब आपकी पार्टी ख़त्म होगी सबसे पहले कौन जाता है वापस घर से, मेरे घर में तो भी सबसे पहले जाते थे फ्रेंड्स,
तो सबसे पहले जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखें, जब भी कोई मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस और माइनस हो रहा है तो पहले प्लस वाला जाता है, प्लस वाला पहले जाएगा। 11z इक्वल्स टू 16, ये क्या है, प्लस है, माइनस 71। ओके, अब हम क्या करेंगे, 11z इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 16 माइनस 71, ओके, 70 माइनस 10 इज 61, 61 माइनस 6 इज 55, लेकिन कौन सा बड़ा कौन है, 71, तो आंसर आएगा माइनस में। अब z, यहाँ क्या हो रहा है, z इसके साथ मल्टीप्लाई, उधर जाकर माइनस 55 अपॉन 11, तो z हो गया, यहाँ पे कट गया 5, तो माइनस 5 हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चिंता मत करें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चंस आप पहले पॉज करके खुद ट्राई करें, तभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 3p माइनस 41 इक्वल्स टू 61, अब आप बताओ कौन पहले जाएगा, 41 या 3? 41 पहले जाएगा, वेरी गुड। 61 प्लस 41, क्यों, माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमने दो रूल और सीख लिए, माइनस हो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और अगर प्लस हो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या बच गया, 3p बच गया, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, 3p इक्वल्स टू 102। अब 3p क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाय 3, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर आया 314, सो p इक्वल्स टू 34। कैसा लगा ये क्वेश्चन, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। एक आखिरी क्वेश्चन हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 7, आइए चलते हैं उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही, मैंने भाई क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले इसको खुद ट्राई करें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, माइनस 11m। अब आपने ध्यान दिया होगा मैंने बहुत सारे वेरिएबल लिए हैं, बुक में क्या होता है बहुत सारी जगहों पे x हो जाता है, तो बच्चों को लगता है सर क्वेश्चन x में आता है, बट x, y, z, l, m, n किसी में भी वेरिएबल में आ सकता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 23 इक्वल्स टू माइनस 12, अब आप बताओ सबसे पहले कौन जाएगा, ये दिख रहा है m के साथ वाला तो बाद में जाएगा क्योंकि वो तो हमारे रिलेटिव हैं, तो पहले 23 जाएगा, तो माइनस 12 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है उधर जाकर, प्लस, तो माइनस 11m रह गया इक्वल्स टू, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, सो 23 माइनस 12 8 और 3 11, बड़ा कौन, 23, तो बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो प्लस में हम डालते कुछ नहीं है, माइनस 11m 11, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बच्चे कहते हैं सर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस करा देते हैं, अरे बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर क्या है, माइनस 11, तो m इक्वल्स टू माइनस 11 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कटा, आंसर क्या आया, माइनस 1, सो m इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये तो हो गया हमारा लेवल 1। ओके, लेवल 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, देखो सीढ़ी जो होती है सबसे पहले जो नींव होती है ना, बिल्डिंग जितनी मर्जी अच्छी लग जाए जो नींव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी तरीके से अगर लेवल 1 के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो प्लीज़ इसको रिविज़िट करें, फिर दोबारा देखें। अगर आप कोई भी क्लास के वीडियो देख रहे हो, चाहे 9th या 10th या फिर कोई भी हायर क्लासेस आप देख रहे हो, आपको पहले 7th क्लास की जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, तभी आप हायर क्लासेस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सजेशन है, अगर आपको डाउट हो रहा है सिंपल इक्वेशन में, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको लिंक मिल जाएगा लेवल 2 और लेवल 3 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।